हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस जी अकेडमी नीट। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया में हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट किया था, और पोरीफेरा से स्टार्ट करके हम लोग मोलस्का तक पहुँचे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकाइनोडर्मेटा का आज हम लोगों का टॉपिक है इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक का, यानी कि इकाइनोडर्मेटा में ऐसे कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ आपके इकाइनोडर्मेटा में ही पाए जाते हैं, या फिर इसके डिस्टिंग्विश करेक्टर हैं। जो कॉमन करेक्टर है आपको सभी को पता होंगे, वो हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इकाइनोडर्मेटा को हम लोग तीन स्टेप में पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आपका क्लासिफिकेशन होगा, और उसके बाद में जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें क्या होगा कि इस इकाइनोडर्मेटा फाइलम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो उस वाटर वैस्कुलर सिस्टम के लिए हम लोग पूरा एक अलग से वीडियो करेंगे, ताकि उसमें कोई से भी दिक्कत ना रहे आपको, क्योंकि उससे कभी कभी हमारे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाइनोडर्मेटा के को लेकर के आज। तो इकाइनोडर्मेटा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो इकाइनोडर्मेटा टर्म है आपका, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक आपका इकाइनस है और दूसरा आपका क्या है, डर्मा है। इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन, और डर्मा का मतलब तो आप सभी जानते हैं स्किन। अब देखिए, अब यहाँ पर जब हम लोग इकाइनोडर्मेटा पढ़ रहे हैं, तो इकाइनोडर्मेटा जब हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए किसी भी फाइलम को या फिर बायोलॉजी में, जूलॉजी बॉटनी, कोई कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कोई सभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डायग्राम के साथ में याद करें। जैसे आपको साइड में स्टार फिश का डायग्राम दिखाई दे रहा है, आप सभी को पता है कि स्टार फिश जो है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है। तो ये जो स्टार फिश का जो डायग्राम है, ये हम लोग मन में ध्यान रखेंगे कि स्टारफिश का डायग्राम कैसा होता है, तो हमारे लिए इसको समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी स्टारफिश होती है, किसी भी तरीके की हो, आपकी कुछ भी हो, या फिर इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर होते हैं, इनकी बॉडी में स्किन पे छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो क्या पड़ा है आपका, इकाइनोडर्मेटा पड़ा है। इसकी बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके स्पाइंस पाए जाते हैं, और ये जो स्पाइंस होते हैं एक तरीके से इसका एक्सटर्नल स्केलेटन बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये आपके इंटरनल स्केलेटन का भी पार्ट होते हैं आपके, और इसमें कैलकेरियस ऑसिकल्स पाए जाते हैं। कैलकेरियस ऑसिकल्स का मतलब ये हुआ कि जो ये जो स्पाइंस होते हैं आपके, तो ये सारे के सारे स्पाइंस कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और ऑसिकल्स, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे कान की जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, तो उसी तरीके से ये भी आपके कैलकेरियस ऑसिकल्स होते हैं आपके। तो ये आपके क्या है, एक तरीके से एंडोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं, जो कि बॉडी के बाहर भी अपीयर होते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितने भी इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं, वो सारे के सारे इकाइनोडर्मेटा के मेंबर आपके कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। यानी कि जितने भी इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होंगे, वो सारे के सारे मरीन वाटर में रहते हैं, और वो फ्रेश वाटर में, लैंड वाटर में, या फिर पॉन्ड वगैरह में नहीं पाए जाते। तो ये एक इसका डिस्टिंग्विश फीचर है, सारे के सारे एनिमल विदाउट एनी एक्सेप्शन सब के सब आपके कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग इनकी बॉडी की बात करते हैं, तो इनकी बॉडी आपकी कैसी होती, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि ये इनकी जो बॉडी होती है तीन जर्म लेयर से मिलकर के बनी होती है। एक आपकी एक्टोडर्म होती है, दूसरी आपकी मीजोडर्म होती है आपकी, और मीजोडर्म के बाद में अंदर की तरफ क्या होती है आपकी, एंडोडर्म होती है। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि जो इनकी बॉडी होती है वो तीन डर्म से मिलकर के बनी होती है, तीन लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है, और ये आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। ठीक है, जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसमें डिवीजन हो रहा होता है, तो ये तीन चीज़ें आपकी डिवाइड होती हैं, अलग अलग सेल्स डिवाइड होती हैं, और इसके बाद में पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। फाइलम एनिलिडा से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। इसके बाद में जितने भी मेम्बर होते हैं वो आपके सीलोमेट होते हैं। आपने पढ़ा था कि सीलोम तीन तरीके की होती है, यानी जो एनिमल होते हैं वो तीन तरीके के पाए जाते हैं। कुछ ए सीलोमेट होते हैं जिनमें जो सीलोम होती है वो नहीं पाई जाती है। कुछ सीडो सीलोमेट होते हैं, यानी कि जिनमें सीलोम तो पाई जाती है, लेकिन क्या होता है कि छोटे छोटे पाउच के फॉर्म में पाई जाती है, कंप्लीट सीलोम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये आपके सीलोमेट होते हैं, इनमें सीलोम प्रेजेंट होती है आपकी। वहीं पर अगर हम लोग इनकी बॉडी की सिमेट्री की बात करते हैं, तो इनकी बॉडी में क्या होता है, देखिए इनकी बॉडी में जो स्टेज होती है, तो इनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद में क्या होता है कि इनकी बॉडी में लार्वा बनते हैं आपके। ठीक है,
इसकी जो जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा होता है, तो इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है कि एक से ज़्यादा तरीके के लार्वा पाए जाते हैं, ठीक है। तो लार्वा पाए जाते हैं, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए जो नॉर्मल एनिमल होता है, जो इसे एडल्ट हम लोग कहते हैं, तो वो एडल्ट में जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि ये पाँच वाला जैसे आपका स्टार होता है उस तरीके की आपकी कुछ इनमें ये स्ट्रक्चर इनका होता है आपका। ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है, आप वो थोड़ा स्टारफिश का आप ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टारफिश होती है इसमें आपका, या फिर जो इकाइनोडर्मेटा के एनिमल होते हैं इसमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट में। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग लार्वा की बात करते हैं तो इनके जो लार्वा होते हैं उनमें कैसी सिमेट्री होती है, बाईलैटरल सिमेट्री होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में किस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, तो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाईलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। वहीं पर अगर हम लोग इनके एडल्ट की बात करते हैं तो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां पर याद रखना है। इसके बाद में इसमें क्या होता है कि इनमें कोई प्रॉपर आपका डिस्टिंक्ट हेड या ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है कि यहां पर कोई प्रॉपर हेड या प्रॉपर ब्रेन, जैसे हम लोगों में क्या होता है कि प्रॉपर हेड और ब्रेन है, उस तरीके से इनमें इस तरीके का कोई सा भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। अगर इनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा तो इनमें क्या होगा कि प्रॉपर डेवलप कंडीशन वाला जो नर्वस सिस्टम है वो भी नहीं पाया जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है कि अगर ब्रेन ही नहीं होगा तो ब्रेन नहीं होगा तो जो न्यूरॉन्स होगी, सेंसरी न्यूरॉन होगी, वो नहीं निकलेंगे। तो इस वजह से यहां पर जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही एक कमजोर टाइप का या फिर पुराने टाइप का नर्वस सिस्टम यहां पर पाया जाता है आपका, ठीक है। अब देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये सारे के सारे जो मेंबर होते हैं वो मरीन होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्या है कि इनकी बॉडी में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनकी लाइफ की आधी से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होता है ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही की जाती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। वैस्कुलर सिस्टम जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा बॉडी की एक्टिविटी करता है। अब देखिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो सबसे ज़्यादा मदद करता है, देखिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम में होते क्या है कि आपके ट्यूबफिट पाए जाते हैं, तो इनमें जो लोकोमोशन की प्रोसेस होती है, तो लोकोमोशन की प्रोसेस आपकी किससे होती है, इन्हीं ट्यूबफिट से होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्यूबफिट होते हैं आपके, तो ट्यूबफिट क्या होते हैं कि जैसे ये मान लीजिए स्टारफिश है, तो स्टारफिश में ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया डॉर्सल साइड वाला और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया वेंट्रल साइड वाला। तो इनमें क्या होता है कि आपको ध्यान देना है कि ये जो नीचे साइड वाला हिस्सा है वेंट्रल साइड वाला हिस्सा, तो इस साइड वाले हिस्से में इनका माउथ होता है और ये जो ऊपर डॉर्सल साइड वाला हिस्सा है, इस डॉर्सल साइड वाले हिस्से में क्या होता है कि इनका एनस होता है। इनमें देखिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका पूरा का पूरा पाया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए ये एक नॉर्मली आप समझने के लिए यहां पर मैं बना रहा हूं कि ये ऊपर वाला डॉर्सल साइड है और ये नीचे वाला वेंट्रल साइड है। तो ये जो वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल वाले साइड में क्या होगा कि इनका माउथ पाया जाएगा और ये जो डॉर्सल वाला साइड है यानी कि ऊपर वाला जो साइड है, यहां पर आपकी क्या होगी, ये जो इकाइनोडर्म से इनकी एनस पाई जाएगी। तो ये थोड़ा सा इनमें एक पोजिशनिंग आपको ध्यान देनी है कि ये स्टारफिश है, ये ऊपर डॉर्सल साइड, नीचे वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड में इनका माउथ पाया जाएगा और ऊपर साइड यानी डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड में इनकी एनस होगी। तो क्योंकि इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस से वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये ट्यूबफिट में आते हैं। तो ये जो ट्यूबफिट होते हैं ये आपके क्या करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। लोकोमोशन के अलावा क्या होता है कि ये जो होते हैं ये आपके किस में मदद करते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। हाँ सही है, ठीक है। तो ये आपके लोकोमोशन के साथ साथ में रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये जितने भी आपके ट्यूबफिट होते हैं इनमें क्या होता है कि जो वाटर की कैनाल होती है, वाटर करंट कैनाल होती है, तो वाटर करंट कैनाल यहाँ पर आती है आपके, और उसके जब वाटर आता है तो वाटर के साथ में क्या होता है कि वाटर में फूड मटेरियल है वो भी अंदर आ रहा है, ठीक है। और वाटर में कई सारी डिजॉल्व गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन तो इसको चाहिए ही चाहिए, या फिर जैसे हम लोगों को रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि वाटर के साथ में जो भी सब्सटेंस आ रहे होते हैं तो ये माउथ के थ्रू उनको क्या करता है कि बॉडी में ले जाता है और जो होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और इसी वाटर करंट कैनाल के साथ में जो फूड मटेरियल आता है तो उसी फूड मटेरियल को ये खा करके अपना जो काम है वो कर लेता है। तो इस तरीके से इनमें जो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम या फिर ट्यूबफिट वाला सिस्टम ही ये बहुत ज़्यादा, देखिए ट्यूबफिट तो मेनली आपके
लोकोमोशन में मदद करते हैं, लेकिन लोकोमोशन के साथ साथ ये आपके फूडिंग में, रेस्पिरेशन में, इन सारी की सारी चीज़ों में भी मदद करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि इनका जो मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है वो करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये सारे के सारे एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं। इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और उसमें आपके क्या होते हैं, ट्यूबफिट पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया ही मैंने कि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ टू एनस कंप्लीट होता है, लेकिन सिंपल टाइप का होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का कोई सा भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है इनमें, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग इनके, जैसे हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि इनमें कोई आपका पर्टिकुलर ब्रेन या हेड टाइप का कोई पोर्सन नहीं पाया जाता है, तो इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा लेस डेवलप कंडीशन वाला होता है, ठीक है। अगर हम लोग इनके सेक्सेस की बात करते हैं तो इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल आपके अलग अलग होते हैं। तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होंगे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वहीं पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी से बाहर होता है। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद में इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, और ये जो लार्वल स्टेज होती है इनमें कई सारे आपके लार्वा पाए जाते हैं। जब हम लोग अगली क्लास में इनकी क्लासेस पढ़ेंगे तो उन क्लासेस में हम यहां पर देख लेंगे कि उन क्लासेज में किस किस कौन कौन से तरीके का, जैसे बाइपिनेरिया है, प्लेनेरिया लार्वा है, तो ये सारे के सारे लार्वा इसमें पाए जाते हैं। तो वो हम लोग जब अगली वाली क्लास में क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि जैसे अभी बताया था कि लार्वा की जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है कि जो इनमें सिमेट्री होती है वो पेंटामिरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, और मेरे ख्याल से इतने ही हैं, यानी हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई सा भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आता रहे।